नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे विटामिन B12 के लिए कौन सी टैबलेट लें और कौन सा इंजेक्शन लगाएं। ये प्रायः आप लोग क्वेश्चन मेरे से करते रहते हो, तो इस बात को आप समझें कि जब भी विटामिन B12 की कमी हो जाए, ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए, मतलब आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें जो विटामिन B12 का लेवल है वो 100 picogram per ml से कम हो गया, या तो आपके खून की कमी बहुत हो गई है, 4 gram 5 gram खून हो गया है, या तो नर्व संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है, कमजोरी लग रही है, दर्द हो रहा है, या कोई मानसिक प्रॉब्लम लग रही है, उस केसेस में जो टैबलेट्स आती हैं विटामिन B12 की या इंजेक्शन, उसको लगवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो जो टैबलेट है उसके अंदर विटामिन B12 का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कम से कम 500 माइक्रोग्राम या 750 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम या 1500 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये खाओगे ज़्यादा अमाउंट में तभी आपके शरीर में इसकी भरपाई होगी। विटामिन B12 की कमी नॉर्मल जो मल्टी विटामिन्स होते हैं जिसमें विटामिन B12 10 माइक्रोग्राम 15 माइक्रोग्राम कुछ में और भी कम हो सकता है, उससे पूर्ति नहीं होने वाली है। और विटामिन B12 की अधिकता से कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ज़्यादा अगर अमाउंट में होता है तो वो किडनी के बाहर निकल जाता है, जितना शरीर को ज़रूरत होती है उतना लीवर के अंदर वो स्टोर कर लेता है। तो ये बात आपको समझनी है कि कोई भी अगर जब भी टैबलेट्स लें या इंजेक्शन लें उसमें इसकी क्वांटिटी ज़रूर देख लें कि कम से कम 500 माइक्रोग्राम, 750 माइक्रोग्राम या 1500 माइक्रोग्राम हो। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि विटामिन B12 की कमी किस रूप में आ रही है। अगर विटामिन B12 के कारण खून की कमी हो रही है तो उसके साथ आप आयरन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी में जो नर्व संबंधित प्रॉब्लम है, आपकी जो नस से संबंधित प्रॉब्लम है, झुनझुनाहट है, हाथ पैर में कमजोरी लग रही है, ऐंठन सी हो रही है, उस केसेस में बेटर ये रहता है कि विटामिन B12 के साथ में फोलिक एसिड लें, निकोटिनामाइड लें और पायरीडॉक्सिन लें। इनका कॉम्बिनेशन चलता है। कुछ जो एक दो सस्ती आती हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ, आप दूसरी भी कोई ले सकते हैं, मेरा कोई एक कंपनी का बताने का मकसद कभी नहीं रहता। स्क्रीन पे मैं 2-4 के नाम भी शेयर कर दूंगा। एक न्यूरोबियान बहुत पॉपुलर है, न्यूरोबियान जिसमें विटामिन B12 होता है, लेकिन न्यूरोबियान जो प्लस होता है, जो न्यूरोबियान प्लस आता है उसमें जो नर्व संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है, हाथ पाँव में झुनझुनाहट ऐंठन आ रही है, तो प्लस में विटामिन B12 होता है, साथ में पायरीडॉक्सिन और इसके साथ में इसमें होता है निकोटिनामाइड होता है। तो न्यूरोबियान प्लस लें। न्यूरोबियान फोल्ड करके भी आती है, लेकिन उसमें विटामिन B12 का लेवल बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसमें दूसरे भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरीके से चुनाव करते समय ध्यान आपको रखना चाहिए। और भी बहुत सारी है, जैसे कि न्यूरोकाइंड आती है, उसमें लगभग 1500 माइक्रोग्राम के आसपास होता है। तो ये आपको चुनाव करते समय हमेशा ये बात हमेशा ध्यान में रखें। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कॉमन मल्टीविटामिन चलन में है, जैसे कि A2Z है या बिकाडेक्सामाइन है, रिवाइटल है या सुप्राडीन है, इनमें भी विटामिन B12 होता है, लेकिन इससे आपकी कमी नहीं पूरी होगी। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन B12 के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो आंत के अंदर भी जो आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रहता है वो भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आंत के अंदर भी ऐसे चेंजेज आ जाते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और इंजेक्शन तब लगवा लेना ज़्यादा बेहतर रहता है जब ज़्यादा कमी हो, किसी का हीमोग्लोबिन 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, या कोई बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उस कंडीशन में लगवा लेना चाहिए। या तो बिल्कुल श्योर दिख रहा है कि इनको पेट के अंदर किसी तरीके से प्रॉब्लम है, मतलब एब्जॉर्ब होने में दिक्कत है, उस केसेस में इंजेक्शन लगवा लेना बेहतर रहता है। तो इंजेक्शन के साथ भी ऐसा है कि आप विटामिन B12 के साथ में फोलिक एसिड है, पायरीडॉक्सिन है, निकोटिनामाइड के इंजेक्शन लगा सकते हैं, प्योर भी लगवा सकते हैं विटामिन B12। तो एक बिटकोफॉल करके इंजेक्शन आता है जिसमें विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है और निकोटिनामाइड होता है, और दूसरे भी जैसे न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन भी आता है, मेगा नर्व होता है, और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। बस इंजेक्शन लगाते समय भी इस बात का आप ध्यान रखें कि इंजेक्शन में 500 माइक्रोग्राम के आसपास होना चाहिए। जो इंजेक्शन लगे वो 500 माइक्रोग्राम का होगा। इंजेक्शन आप 3-4 बार लगवा लेंगे, उसके बाद फिर विटामिन B12 आपके शरीर में स्टोर हो जाता है, लीवर के अंदर 3 से 5 सालों के लिए स्टोर रहता है, फिर खाने से आप कुछ बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टैबलेट्स की और इंजेक्शन की हो गई। अगर कमी दिख रही है, लक्षण आ रहे हैं, खून की कमी जांच में मिल रही है, तो खाना खाने से सडन बढ़ाना मुश्किल रहता है। खाना खाने से बढ़ेगा लेकिन काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए टैबलेट और जो इंजेक्शन है लगाना मजबूरी बन जाता है। बट जो टैबलेट और इंजेक्शन का चुनाव करते समय उसमें कितना विटामिन B12 है वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, और किस कॉम्बिनेशन के साथ में आ रहा है। जो मल्टी विटामिन पॉपुलर है
उससे आपके विटामिन बी ट्वेल्व की कमी पूरी नहीं होगी, मेंटेनेंस हो जाएगा। जितनी आपकी ज़रूरत है, दिन की 3 से 4 माइक्रोग्राम होती है, उतनी मेंटेनेंस मिल जाएगी। कमी की पूर्ति जो रेगुलर मल्टी विटामिन होते हैं उनसे नहीं पूर्ति हो पाएगी, ये मेरा बताने का मकसद है।